मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल आधार का एक पार्ट है ये, और उसको समझने के लिए हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जैन धर्म में हम लोग किन किन बिंदुओं को सम्मिलित सामान्य रूप से करते हैं। तो इस चीज़ को लेते हुए हम लोग सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। जैन धर्म, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैन धर्म की जानकारी के स्रोत क्या हैं। जैन इतिहास लेखन, जैन इतिहास लेखन क्या क्या है। सेकंडली, यहीं पर हम ले लेते हैं जैन साहित्य। तो मोटे तौर पर जैन साहित्य प्राचीन काल से ही लिखा गया है। जैसे हम पूर्व या पर्व साहित्य की बात करते हैं, उसके बाद आगम आगमित्तर साहित्य की बात करते हैं, इतने तरह का साहित्य मौजूद है। ये मूल रूप से कौन सा साहित्य है? ये मूल रूप से प्राकृतिक साहित्य है। जब हम सेकेंडरी बात कर लेते हैं तो इसको लेते हैं पृष्ठभूमि। ये आप और हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के विकास में जैन धर्म के जो ऐतिहासिक संस्थापक रहे वो महावीर स्वामी रहे। महावीर तो महावीर स्वामी रहे, लेकिन उससे पहले जैन धर्म की पृष्ठभूमि क्या रही? महावीर स्वामी से पहले, महावीर स्वामी है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6 BC में। तो इससे पहले जैन धर्म की पृष्ठभूमि क्या थी? तो उनसे पहले 23 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में यह मान्यता है कि जो मूल गुरु हैं, मूल तीर्थंकर हैं, जिनको हम आदिनाथ कहते हैं या ऋषभदेव कहते हैं, वहां से जैन धर्म का प्रारंभ माना गया है। जैन धर्म के सिद्धांत विकसित करने में समय लगा। जब हम 23वें तीर्थंकर पर आते हैं, जो कि एक जिनको पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं, वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उल्लेख मिलता है। ये दो तो पक्के ऐतिहासिक हैं, बाकी के अभी तक प्रमाण हमें ऐतिहासिक रूप में नहीं मिले हैं। हालांकि ऋषभदेव का उल्लेख हमारे वैदिक ग्रंथों में आता है। इस प्रकार से ये जरूर है कि जैन धर्म की जो जड़ें हैं वो भारतीय संस्कृति में बहुत गहरी रही। इसके बाद पृष्ठभूमि, या इसमें हम कारणों को भी समझ लेंगे कि क्यों, किस, किन कारणों से। कारण लगभग लगभग वही हैं जो बौद्ध धर्म के उदय के थे, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में एक तरह की बौद्धिक क्रांति हुई, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी काल के दौरान उधर ग्रीस में इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन होती है, उधर चाइना में कन्फ्यूशियस जैसे इंटेलेक्चुअल लीडरशिप सामने आती है, तो भारत में भी हमारे पास महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे विलक्षण व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, इनकी शिक्षाएं क्या हैं, इसके उपरांत, शिक्षाओं के उपरांत हम जैन धर्म के प्रसार की चर्चा करते हैं कि इनका प्रसार क्या और कैसे हुआ। और यहीं पर हम इनकी संगीतियों की बात करेंगे। संगीतियाँ मोटे तौर पर जो जैनों की वैधानिक संगीतियाँ हुई हैं वो दो हुई हैं। हालांकि कुछ ग्रंथों में 4 और 5 होने का भी उल्लेख आता है, लेकिन क्योंकि वैधानिक रूप से वैधानिकता उनको केवल 2 को ही प्राप्त हुई है, इसलिए हम 2 की ज़्यादा चर्चा करते हैं। इसके उपरांत हम एक बात ये करते हैं कि जैनों का इस देश की संस्कृति में योगदान क्या रहा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये ध्यान से देखिए, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन का लेवल चाहे पीजी लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें एक तो ये जैन साहित्य यानी इतिहास लेखन पूछा जाता है। दूसरी बात, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए, जो छोटे प्रश्न होते हैं उन छोटे प्रश्नों में ये आता है, 50 शब्दों के प्रश्न आते हैं। आप हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसमें भी 50 शब्दों के क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी लोकप्रिय एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह वगैरह के, इनमें सिद्धांत पूछे जाते हैं, शिक्षाएँ पूछी जाती हैं 50-50 शब्दों में। इसी तरह से संगीतियाँ, ये संगीतियाँ ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं या छोटे प्रश्नों में यूनिवर्सिटी सिस्टम में, क्योंकि लघु प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न भी होते हैं, तो वो सब संगीति के अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। योगदान,
जैन धर्म का इस देश की संस्कृति में, इस देश की सांस्कृतिक विकास में क्या क्या योगदान रहा है, कलात्मक रूप से क्या योगदान रहा, इनका भौतिक योगदान भी है, इनका सांस्कृतिक और अभौतिक योगदान भी है। इस देश में अहिंसा परमो धर्म की, जब जैसे शब्दों की हम बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो अहिंसा को प्रोपगेट करने में जैनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है, जिसको हम कहते हैं शांति है, अहिंसा है, इसके जो मूल आधार है वो हमें जैन दर्शन में और जैन संस्कृति में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जब हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, तो जैनों का जो मंदिर निर्माण है वो भारत में बड़े लोकप्रिय पैमाने पर हमको दिखाई देता है। अपने यहाँ राजस्थान के मंदिर आप देख लीजिए, जहाँ बड़े पैमाने पर मंदिर हैं, तो मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, जैनों की चित्रकला, जब हम पूर्व मध्यकाल की स्थिति को देखते हैं, तो एक शैली मिलती है जिसको कहा गया था अपभ्रंश शैली। ये भाषा की शैली नहीं है मूल रूप से, अपभ्रंश को हम सामान्य रूप से क्या समझते हैं, ये एक भाषा है, अपभ्रंश एक भाषा है, लेकिन जब पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो वहां पे एक चित्रकला की शैली का विकास हुआ। ये जैनों की ही चित्रकला शैली थी, इस चित्रकला शैली को अपभ्रंश शैली कहा गया, और जो चित्रकार होता था उसको अपभ्रंश कवि कहा जाता था। तो जैनों ने अपभ्रंश भाषा का विकास किया, जैनों ने बाद के पीरियड में और अन्य भाषाओं का विकास किया। तो भाषा संस्कृति की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से जैनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इस देश के इतिहास और संस्कृति में। तो इस तरह से हम सिद्धांतों का पक्ष भी लेते हैं, इस तरह से हम इनके प्रसार के बिंदु देखते हैं, और अब हम थोड़ा सा इसको एक बार देख लें, हम ये चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से ये आपके सामने वो 24 तीर्थंकर हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये आप इसको, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, जैसे ये ऋषभदेव हैं, जैसे ये ऋषभदेव हैं, ऋषभनाथ, ऋषभदेव, इनका जो आप सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, बैल का चित्र दिखाई दे रहा है, इनका संबल क्या है, प्रतीक क्या है, इन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। तो आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, बैल की आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो उसके बाद ये कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर दिखाई देते हैं। पहले आदिनाथ ऋषभदेव हैं, ऋषभनाथ हैं, और उसके बाद अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन दास, सुमतिनाथ, पद्मनाभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, ये आप कुल मिलाकर के जब हम यहाँ तक आते हैं पार्श्वनाथ तक, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प है। और इस तरह से हम अपने यहाँ जब खास करके पश्चिमी भारत, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन जगह जैनों की बहुत सी शाखाएं डेवलप हुई, इनके जो मंदिर हैं जैन मंदिर, उनमें मूर्तियां स्थापित होती हैं, क्योंकि जैन धर्म में बौद्ध धर्म के समान शुरू में तो मूर्ति पूजा बौद्धों में नहीं थी, क्योंकि इसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन जैनों में मूर्ति पूजा थी, इसलिए हम जैन मंदिरों में अक्सर देखते हैं कि इन तीर्थंकरों की मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। तो ये प्रश्न यहां पर ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और अन्य दृष्टियों से भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको आगे देखते हुए कहते हैं कि ये जैन धर्म से संबंधित मुख्य बातें हैं, कि जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जैनों के संप्रदाय, जैसे यहां पर हम बिंदु लेते हैं, जैनों के संप्रदाय क्या क्या रहे, संप्रदाय, जैसे हम बात करते हैं दिगंबर, श्वेतांबर, ये दो तो मेन हैं, ये मुख्य संप्रदाय हैं। इसके अलावा बहुत से अन्य संप्रदाय पूर्व मध्यकाल तक आ गए, पूर्व मध्यकाल तक बहुत से संप्रदाय आ गए, जैसे पुजेरा, डेरावासी, जैसे जैसे हम गुप्त काल के बाद आगे निकलते हैं, इन जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों की एक तरह से यूं कहें कि इनके जो रूप हैं वो बदलते जाते हैं, और विशेष रूप से जैसे हम दिगंबर श्वेतांबर की बात करते हैं, तो मूल रूप से ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये डिवीजन हो गया था, लगभग हम इसको 300 BC के आसपास कहते हैं, कुछ जगह 298 BC भी लिखा होगा। तो क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास की खास बात यह है कि यहाँ पर तिथियों को लेकर कई बार वाद विवाद होता है या मतांतर होते हैं, उसका कारण यह है कि भारतीय इतिहास लेखन में जो इतिहास की दृष्टि से उसमें
डेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। डेट पश्चिम वालों ने डेट को इतिहास लेखन में महत्व दिया, भारत में उस डेट को महत्व नहीं दिया गया। भारत में धर्म को महत्व दिया गया, संस्कृति को और मूल्यों को महत्व दिया गया। इस कारण से अपना इतिहास दर्शन उसके संदर्भ में बहुत से यूरोपियंस और अंग्रेजों ने यह कहना शुरू किया कि भारत वाले इतिहास नहीं जानते हैं, भारत में इतिहास लेखन था ही नहीं। उनका तो कहना यहां तक है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में इतिहास लेखन नहीं था, भारत के लोग इतिहास नहीं जानते थे। यहाँ पर इतिहास लिखने की परंपरा तुर्कों और मुसलमानों के आने के साथ प्रारंभ हुई। वो लोग इस बात को भूल गए शायद कि कल्लण की राजतरंगिणी अपने आप में बेस्ट इतिहास का ग्रंथ है, जिसमें इतिहास के सभी सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज का प्रयोग किया गया है, अभिलेखों का प्रयोग किया गया है, आदि आदि। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कई बार मतांतर हो जाते हैं। तो दिगंबर वो लोग थे जो रूढ़िवादी लोग थे। दिगंबर दिशा ही है जिनका वस्त्र, यानी वो नग्न रहते थे। आज भी ये रूप हमें दिगंबर श्वेतांबर के दिखाई देते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। इस प्रकार से जैनों का जो एक तरह से डिवीज़न था, इसी आधार पर इनके अपने मंदिर निर्माण की शैलियां डेवलप हुई, इसी आधार पर सांस्कृतिक विकास क्रम विकसित हुआ। यहां मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि जब जैनों का विकास हुआ तो ये देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैनों की चार काउंसिल, पांच काउंसिल्स का उल्लेख मिलता है, लेकिन दो काउंसिल मुख्य रूप से हैं। पहली तो पाटलिपुत्र में होती है, आप देख सकते हैं कि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु का मुख्य रोल रहा, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। जो दूसरी है वो लगभग 510-512 के आसपास हुई थी, वल्लभी यानी आज के गुजरात में हुई थी, देवाश्री श्रमाश्रम के नेतृत्व में हुई थी, और इसमें 12 अंगों और 12 उपांगों की रचना हुई। ये क्या चीज़ें 12 अंग और 12 उपांग, इनको एक बार देख लें। ये जैन साहित्य है, और इस जैन साहित्य में हमें ये सबसे पहले 12 अंग मिलते हैं। एक्चुअली इस जो जैन लिटरेचर है वो कई तरह का है, जैन लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो वो कई तरह का आता है, कि जैसे अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, इनमें से ये 12 अंग हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 प्रकीर्ण हैं, ये सारे ग्रंथों के नाम हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहां पर जैन धर्म का विकास और जैन धर्म का विस्तार हमको देखने को मिलता है। जैन धर्म के संबंध में आज हम यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देंगे। ये एक इसका स्ट्रक्चर है, डिटेल के लिए हम ऑफलाइन क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।